अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। तो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। यार आप सब देख तो सकते हैं, मैं गाड़ी में बैठा हुआ हूँ और हम जा रहे हैं जी शादी पे। अंकल कम्मा राहुलुल्ला और डैडी हमारे साथ हैं। इधर देखते हैं, डैडी नहीं देखते यहाँ पे, देख ले तेरी शक्ल ही नहीं पसंद। हसदे चेहरिया का मतलब यह नहीं होंगे कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होंगी, मतलब यह होंगे कि इन्होंने तकलीफा डील करना होता है। हम शादी पे जा रहे हैं और हमने मोटर पे चौक से, हमारे एक दोस्त है अहमद भाई को हमने वहाँ से लेना है और हम तकरीबन 15 मिनट तक वहाँ पर पहुँच भी जाएंगे। टाइम क्या हो गया यार, 2:30 बजे आज हम निकल आए, बहुत टाइम से निकले हैं जी। कोई पहला इस तरह का इवेंट है जिसमें हम काफी टाइम से निकले, वरना हम लेट ही जाते हैं लेकिन फिर भी टाइम से पहुंच जाते हैं। 6 बजे का टाइम है शादी का और 2:30 बजे निकल गए और तकरीबन 6 बजे तक हम पहुंच भी जाएंगे। हम रुके हैं जी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाने के लिए। पेट्रोल भाई जल्दी जल्दी से पेट्रोल फुल हो और निकलते हैं फिर हम अपने सफर के लिए। नहीं चढ़े मोटर पे और अहमद भाई को भी अभी हमने नहीं लिया, तो अभी हमने उनको लेना है भैया, लेना है। लो जी पेट्रोल गया डल, अब हम भी चलते हैं गाड़ी में। हम मोटरवे पे खड़े हुए हैं, मैं मामू और अहदुल्ला, डैडी अंदर ही बैठे हुए हैं और भाई का वेट कर रहे हैं। और वो देखो वो पैदल आ रहे हैं, हम कब से वेट कर करके यार। देखो देखो जी मैं क्या बोल रहा हूँ सर, जी मोशन क्या बाहर आ गए। हाँ जी की हाल है, ठीक हो ना, ठीक हो ना। जगह चेंज कराई यार मेरे को। थ्री गाइस टाइगर 3। चलो जी भाईजान बैठे, भाईजान बैठे अंदर, डिक्की में लेके जाओ। हाँ डिक्की में लेके। लो जी गाइस भूख लगी हुई थी और अभी हम रास्ते में किधर रुके, कौन सी जगह लगी हुई थी, कौन सी जगह रुके यार। इंटरचेंज है, पता नहीं। अच्छा पता नहीं, नहीं मुझे नहीं पता। यहाँ से भी कुछ खाने के लिए लेते हैं, तो अहमद भाई जो आपने खाना आप लें, अब्दुल्ला तूने जो लेना तू ले। नहीं कैमरा नहीं बंद, कैमरा नहीं बंद, मिल जाएगी। अच्छा जी लो जी इधर से उठाए ना, कोल्ड ड्रिंक वगैरह लें, बाकी चीज़ें वगैरह ले ली हैं अहमदुल्ला और मैं जो है वो खाएंगे शॉर्मे लिए हैं और अंकल कमर जो है क्लब सैंडविच खा रहे हैं साथ। अमेजिंग सीन है। अहमद भाई आपने क्या लिया, आपने लिए थोड़ी सी चीज़ें ली हैं, ये थोड़ी सी चीज़ें गाइस, बहुत थोड़ी सी चीज़ें हैं ना। क्या वजह है, टाइम क्या हो रहा है, टाइम क्या हो रहा है अपने इरादों से देखे, टाइम क्या हो रहा है। 4:45 हो रहे हैं, घंटा लगेगा अभी भी। अच्छा 4:30 हो गए अभी, इजी सीन है, 1.5 घंटा है और आराम से भी गाइस चिल माहौल चलते हैं। पहले ये खाते हैं ना, फिर वीडियोस बनाएंगे एंड देन निकलेंगे। वीडियो वगैरह बना रहे थे और हमारा ये बहुत ही गोलू मोलू सा प्यारा सा क्यूट सा बच्चा फैन है। और कैसे हो भाई? ठीक हूं। ठीक हो, किधर से हो? मैं पेशावर से। किधर जा रहे हो? मैं पेशावर जा रहे हो, किधर से जा रहे हो? मैं मोटरवे से जा रहा हूँ। चलो आ जाओ। लो जी यार बहुत बहुत गोलू मोलू सा, मैं भी कभी इस तरह का मोटा आ जाऊँ ना। गाइस साथ साथ खाते हैं, साथ साथ पिक्चर का। बाहर आओ क्या बताएं आपको भाई, इसको रखो यहाँ पे यार। होए यार आज हम जिंदगी में पहली दफा कोई ऐसी जगह जहाँ पे हम टाइम पर आए हैं, वल्ला ऐसा वेन्यू है कि जिस पर हम फर्स्ट टाइम पर आए और हमें आज ये सबक मिला है, लेसन मिला कि आज के बाद आपने कभी जिधर भी जाओ टाइम पर मत जाओ। बिल्कुल सही, क्योंकि जिनकी शादी है वो भी नहीं आए, मुझे लगा चलो वो आए होंगे टाइम से जाएंगे, थोड़ा टाइम स्पेंड होगा, मजा आएगा, अब बातचीत बंदा करेगा। लेकिन यार वो भाई कह रहे हैं कि गलत जगह तो नहीं आ गए, मुझे लग रहा है हम गलत जगह आ गए हैं। नहीं यार नहीं, गलत जगह नहीं आए, वही शादी हॉल है, वही नाम है, लेकिन जल्दी हम जल्दी आ गए, बहुत जल्दी आ गए, लेकिन हम वैसे टाइम पर ही आए हैं। ज्यादा खुशी थी ना शादी, हमें जिसकी शादी क्या पता उनको भी इतनी खुशी ना हो। प्रोग्राम पड़ गया आप लोग। हां लेकिन यार आधा घंटा पहले आए, क्या कह रहे हो आप, आने का प्रोग्राम बढ़ गया। हां प्रोग्राम तो बढ़ गया, आज के बाद कभी टाइम पे नहीं आना, आज के बाद कभी भी टाइम पे नहीं आना पड़ेगा। कहां ने गाड़ी इतनी भगाई है, इतनी भगाई है, 15-20 मिनट बैठे रहे और मैंने भी यहाँ के आके दिखे भाई मेरे ग्लासेस उस टाइम की यहाँ पे पड़ी हुई है और इसको लेते हैं और दोबारा हम अंदर चलते हैं। आप चुप कर जाओ, मुझे मनु तेरे समझ आ रही है, तो क्या कहना चाह रहा, तो चुप कर जा।
चल जी दोबारा अंदर चलते हैं, ग्लासेस देने आया था। क्यों जी अहमद भाई? अभी सही हम फोन लेने आया हूँ, लेकिन बाद में देखे मेरी ग्लासेस भी वहाँ पे पड़ी। दूल्हा आया हुआ है, सॉरी 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 सॉरी। बेगम ये मेरी आ गई, ये मेरी बेगम, ये मेरी बेगम, ये मेरी बेगम। और मैं भी बेगम अपने साथ बैठा नहीं आ रहा ना। क्योंकि बहुत से मेहमान जो है वो आने लग चुके हैं, बहुत से भाई लोग जो है वो आ गए हैं, और अभी हम वेट कर रहे हैं वैसे भाई उन्होंने भी आना है। टाइम से पहले आ गए थे हम, छह बजे आ जाएंगे। 6 बजे कोई भी नहीं था यहाँ पे, पता है 6 बजे यहाँ पे कोई भी नहीं था जब हम आए थे। 6 बजे नहीं आता हम तो लेट हो गए, हम बोला बस उधर भाभी उधर। अभी क्या टाइम हो रहा है? फोन है ना भाई, मैं पता है किसमें मैं तेज रफ्तार चेंज ही में आई हूँ। आधा घंटा है, ओके आधा घंटा वेट कर। लो जी वैस भाई आगे बैठ चुके हैं हमारे पास अपने मेहमानों से मिलकर, उठ के जा रहे हैं यहाँ पे हम आगे हैं जी, यहाँ पे बैठते हैं यहाँ पे। गाइज आके बैठ चुके हैं भाई, काफ़ी टाइम हो गया वाशरूम से भी गए थे आ गए हैं, और अभी हमें थोड़ी सी भूख लग रही है, इंतजार कर रहे हैं कब रोटी खोले की रोटियाँ हैं शुभी कम, जल्दी से रोटी खोल देने नहीं लगी हुई भूख, रोटी खोल दो जल्दी से भाई। लो जी जिस चीज़ का इंतजार था आ गया, ये है जी हमारी रोटी छोटी, देर भी खाना आ गया भैया, अब हम मंडेंगे खाना। गाइज ये है चिकन, ओ भाई बहुत सारी है मेरा, ये खाते हैं हम सबसे पहले। अब हम आए हैं गाड़ी में, जरा आपको पता है एंड पे सलामी का भी टाइम होता है, तो फिर ये चेक करो भाई सलामी देने लगे हैं, सलामी देंगे और इसके बाद हम जाएंगे। और एक और बात बहुत है, नहीं ज़्यादा कर दें 20,000 कर दें, कोई आज हमारा बहुत ही प्यारा, मैं कहता हूँ बहुत प्यारा भाई है, उसकी आज मेहंदी थी, तो अभी उसका 9 बजे फंक्शन स्टार्ट होगा, और अभी जो है रहे हैं 8:10 उसकी भी मेहंदी पे जाना है, और अब हम यहाँ से बस जल्दी ये देख के निकलते हैं। आज असल में इलियास का भी है ना, तो फिर उधर भी जाना है। अभी फिलहाल आप ये बोल सकते हो कि प्रोग्राम तो बहुत मजा आया जी, ख्याल रखना आप कितना है हमारे लिए बहुत। अरे भाई हो आप आना बस, हम अंदर आए थे जरा दूल्हे भैया से मिलने आए थे, हम मिले नहीं ना, हमने कहा भैया उनको तो मिले ही नहीं जिनकी शादी पे आए, अरमान जाग रही है शादी के, मेरी बारी कब आएगी? आपकी बारी आएगी जब आप 35 साल के हो जाएंगे। जरा एक चीज दिखाओ। क्या दिखाना है? फोन पे चालो अंकल कमाल का अंकल कमाल का जो फोन है ना वो मेरे पास है, ठीक है, वो टेबल पे छोड़ आए थे अहमद भाई ने लिए, और वल्लाह अभी उनका नहीं पता फोन कहाँ है, अब उनके साथ प्रैंक होने वाला है, इधर से अंदर ठीक है। अब अहमद भाई नहीं, फोन जो है मैं अपने पास रखता हूँ, छुपा आप अपने पास रखें, तो अब जो है प्रैंक करेंगे उनके साथ, जनमन प्रैंक होगा देखना। ओके ओके करो जी डन, चलें जी डैडी आ जाएं, आ जाएं चलें जी अंकल कमर बैठे हैं, आओ क्या हुआ है अंकल कमर, क्या हुआ है नंबर बंद है। गाइस अब हम अंदर जा रहे हैं अहदुल्लाह के साथ अंकल कमर का फोन देखने के लिए, हम इसका अपने कोड बना लूंगा गाइस, कोई फोन ओके कर उसको नहीं पता चले देना फोन हमारे पास है, बस छुट कर आ गई, और फोन टेबल में रह गया था यार, आ जाओ मैं किधर है देख टेबल फोन था एंड्रॉइड था वीवो का, मैं तो जा रहा था आपको मिला भी नहीं था यार, मेरे मामू का सर आ जाओ, ओके बहुत मजा आया जी, ओके ब्रदर अपना ख्याल रखो, घुसना जाए अंदर पता नहीं चल रहा।
कैमरा चेक करवाने लगे अंकल कमर के, फोन जो है वो किधर है? मुझे कसम से भी हो रहा है प्रोग्राम बढ़ गया, प्रोग्राम बढ़ गया भाई, साहब आगे मेरे साथ होता है मेरा फोन घूमते है, आज इनका फोन घूम गया यार। मुझे ऐसी आ रही है ना कि मेरे साथ आगे होता है, आज मुझसे पूछ रहे थे कि साहब फोन कौन लिया यार, बंदा बोले फोन क्यों टेबल पे छोड़ के गया है कि नहीं, कौन सा फोन था मेरे पास? और वीवो का कोई फोन था यार, लेकिन फिर भी इनको फोन ही था छोड़ना चाहिए, क्यों जी यार? नहीं छोड़ना चाहिए, शादी पे छोड़ दिया भाई, शादी पे क्या मसला? फोन तुम हो गया, कह रहे कैमरे में इशू है, वो नहीं अभी देख सकते भाई, उनको चाहिए था अपना फोन अपने पास रखते, कोई नहीं यार आपको हमें डिस्टर्ब किया भाई, ख्याल रखो शादी इंजॉय करो जी। हाँ अरे बेशरम ना सी आंदी यार, तुम क्यों बेशरम हासर है, बेशरम हासर है, हमारे पठानों की जगह पे इसका मोबाइल गेम हम गया, इसको मैं नया मोबाइल दे, अरे फोन का फोन दे, मेरे भी दो ए 50,000 लाख का फोन होना है, वर्ड लाख का फोन है, मैं इसको 1,20,000 देता हूं, नया वाले ले ले। ओके ओके गाइस, अगर कमर का जो फोन है वो पहला भी बंद, मतलब उन्होंने कॉल की, उनका एक नंबर बंद आ रहा है और एक नंबर जो है वो उनका क्या हुआ अंकल कमर है, मसरूफ अंकल कमर मसरूफ आ रहा है यार, टेबल पे नहीं छोड़ते साहब, रोटी भी तो नहीं खाती, रोटी भी नहीं आनी है सिखा दे यार, यार फुल टेंशन में सारी अभी फोन एकदम बंद हो गया वहाँ पे, फिर किसी को बंदा कह भी नहीं सकता कि तुमने लिया भाई, कैमरे लगे हुए थे, कैमरे भी ऑफ थे और वाईफाई भी बंद थी ना उनकी, वाईफाई भी बंद थी भाई, प्रोग्राम तो बढ़ गया आज कसम से, बड़ा बहुत बुरा हो रहा था आज, बहुत बुरा, कोई बात नहीं यार, अल्लाह से दुआ करते हैं अगर किसी के पास है तो हमें बता दे भाई, अगर मेरा कोई व्लॉग देख रहा है, अगर कोई मेरा व्लॉग देख रहा है तो उसके पास फोन है तो मुझे बता दे भाई, ताकि हम अंकल कमर का फोन ले सकें। गाड़ी में इस वक्त फुल खामोशी हो चुकी है क्योंकि अंकल कमर का जो क्या लोकेशन बड़ा नाव यार, अंकल कमर का जो फोन है वो गुम हो चुका है, वो अभी फोन नहीं मिलेगा, तो अभी बहुत खामोश है अंकल कमर, फोन नहीं इतने खामोश जा रहे हैं, खामोशी अच्छी नहीं है, अंकल कमर को जरा धड़का देते हैं, इनको जरा सरप्राइज देते हैं भाई, फोन मत बोलो करो, मैं लेके मैंने पावर ऑफ कर दिया, मैं कह लो जी आज मेरे रंग दे दी, अच्छा बड़ी गल है पावर ऑफ हो गया, मैं कह पावर ऑफ ला मैं खुद कीते है भाई, हमने जाके अंदर जाके समझा रहे हैं, हम इस तरह बोलना है, तूने आगे इस तरह बोलना है, वैस वेटरों के साथ डायरेक्ट हो गया, वो कहता फोन गया आगे जा, मैंने बाज बज, मैंने कैमरे बंद है, ये वो कैमरे वाकई बंद थे, आगे इस तरह फोन का बोलूंगा हमारे पास फोन है, तुमने इस तरह बोलते जाना है, हाँ तो बोलता गया है और वो आगे से जिस तरह हमने कहा जवाब देते गया है। लो जी अब हम जा रहे हैं वापस इलियास भाई की शादी पे, अभी मोटरवे पर ही है और हमारा मोटरवे पे रुके थे, अभी 140 पे गाड़ी गई है और शीट गाड़ी की जो है यहाँ से हमारी गाड़ी की इधर से किधर से है शीट चेक कर उठ गई ऊपर कर सीन हुआ, जब हम जब गुजरांवाला जा रहे थे ना, गुजरांवाला रास्ते में हमारी गाड़ी वहाँ पे रोकी थी, हमारी गाड़ी की वहाँ की शीट जो थी भाई उड़ गई थी आगे से, और अभी इसी गाड़ी की भी वही हुआ है शीट स्पीड में उड़ गई है भाई, वो नीचे वाली साइड पे वो हम सही नहीं कर सकते, हमारी तो आगे थी वो हम निकल ली थी, ये वाली नहीं कर सकते, चलो अल्लाह खैर करेगा भाई, बैठते हैं नहीं टैल्को की बैटरी 9% है, हम रास्ते में अभी इतना रास्ता पड़ा हुआ तकरीबन 1.5-2 घंटे का रास्ता पड़ा हुआ, शादी पे भी जाना 9% बैटरी है भाई, वो किस तरह बनाऊंगा, एक फोन बंद हो चुका है, अभी हम यहाँ से वापस जा रहे हैं क्योंकि पता चला है फोन मेरा बंद हो गया, लोकेशन नहीं देखी, लोकेशन तो घर की थी लेकिन लिहाज भाई फोन भी नहीं अब उठा रहे, तो अभी हम जा रहे हैं नीचे, भाई से पूछे नीचे कोई जगह जहाँ पे लिहाज भाई अपना मेहंदी वगैरह कर रहे हैं, इस जगह का हमें नहीं पता भाई, अहमदुल्ला ला रहा गाड़ी, हाँ तुम तो मैं नाल ही नहीं लिया गए यार, जी आ चुके हैं हमारे मामू जी, तो गाड़ी लेके आ गए हैं और ये है लोकेशन, हम तो आ चुके हैं भाई ये लोकेशन, कैसे हैं आप? ठीक है आ गए हैं, चलो जी गुड है जी, क्या हाल है जी, आ जाओ अंदर आ जाओ, हां चलो जी आ जाओ भाई, अल्हम्दुलिल्लाह क्या हाल है भाई, आ गए आप भी, आ गए आप भी गाड़ी लेके,
ले जी शादियों से आके अब हम आ चुके हैं जी चीजियस पे। गाड़ी अनलॉक थी, कोई गाड़ी अनलॉक छोड़ के अंकल का मत चले गए। भाई हमने फोन दिया है, मैंने कहा आपको मैंने फोन दिया है, अगर आपका फोन गुम जाता जाता आपको फोन दिया, अब आपको हमने अपने मतलब आपने हमें ट्रीट देनी है। फोन वापस दिया, उसको ट्रीट लिया हमने। खाने का वेट कर रहे कब रोटा मतलब आए और हम पेट पूजा करें भाई, भूख लगी हुई है बहुत। लो जी बर्गर वगैरह आ चुके हैं और सारे अपने अपने जो है वो बर्गर खा रहे हैं और मैं अपनी थिंग एंजॉय कर रहा हूँ। मेरा बर्गर आया था लेकिन इतना अजीब इस तरह उसने देखे, मैंने कहा भाई दोबारा बना के मैं नहीं खाऊंगा। क्या तू तो खा ले सुबह से ना ठंडी बोतल यार कसम सुबह से ठंडी कोल्ड ड्रिंक भी मिली यार, लेकिन अभी मिली अभी मिली। ओ भाई इन सब के बर्गर खत्म होने को आ गए हैं बर्गर, और मेरा अभी तक बर्गर दोबारा नहीं बनवाने के लिए भेज दिया, अभी तक आया नहीं। अंकल कमर का पास्ता भी नहीं आया और मेरा जो है वो बर्गर भी अभी तक नहीं आया। मुझे आ गया जी, थैंक यू ब्रो, थैंक यू, लेट्स गो गाइस। सो गाइस ये भी गो, मेरा बर्गर आ चुका है जी। अब सबसे पहले हम बर्गर खाते हैं फिर आपसे बात करते हैं। लो जी घर आ चुके हैं, फिर चेंज कर लिए है और अभी मैं कहता हूँ थकन भी होगी लेकिन बहुत मज़ा आया यार, एंजॉय किया शादियों पे गए और बाद में जो ट्रीट खाने का मज़ा आया ना अगल कमर के साथ प्रैंक की ट्रीट उसने भाई, मैं कहता हूँ मज़ा आ गया। सो अभी करते हैं व्लॉग को एंड। सारे भाई रखो अपना ख्याल, दुआओं में याद रखना, मिलते हैं एक और मजेदार व्लॉग के साथ। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़।